बाकी हमारे गुजरात में मोदी जी ने बहुत कराया है और मोदी जी ही आएंगे। कैसे पीडी के हैं हम नसीब वाले के, हमने अपना राम मंदिर बनते हुए देखा सामने से देखा, हम वो पीडी हैं। भाई जड़े इनकी सरकार बनाओ रहे लोकतंत्र की जीत ना बीजेपी जीतता ईवीएम है, अरे ईवीएम लेके कौन आया? हमारे सैनिकों पे पत्थर मारे जाते थे आज दिखाए कोई ऐसा अभी क्यों हुआ, पहले क्यों नहीं? तो वही बता रहे थे कि मोदी के आने से पहले कांग्रेस ने डिफेंस में बिल्कुल भी कुछ नहीं करा था डेवलपमेंट, अब बहुत अच्छा कर दिया है। हाँ, सैनिकों के लिए बहुत अच्छा कर दिया, इक्विपमेंट बंदूकें सबको नई मिल रही हैं। ये सांस ये अपनी राजनीति है, उस पे लड़ो मत। अच्छा, ये अपना खेल खेल रहे हैं। मोदी ने काम कराए हैं। मैं दिल्ली, मैं गुजरात से, धार्मिक राजनीति पर मैं सूरत गुजरात से आया हूँ, यहाँ नहीं रहता, दिल्ली आए हैं घूमने हम, मगर हमारे वहाँ बहुत काम कराए हैं मोदी जी ने। और हमारे गुजरात नहीं, दिल्ली का मैं ज्यादा नहीं जानता। अच्छा। दिल्ली हम घूमने आए हैं खाली। हाँ। बाकी हमारे गुजरात में मोदी जी ने बहुत कराया है और मोदी जी ही आएंगे। बोलते कि बहुत महंगाई बढ़ा दिया है। महंगाई देखो, आप महंगाई को देखोगे या अपने देश को बचाओगे? एक बात, आप इतने समझदार हो, महंगाई अगर महंगाई कम करके देश को लूट लोगे तो फिर देश कहाँ जाएगा हमारा? मगर मोदी ने जो किया ठीक है, थोड़ी महंगाई बढ़ाई वो सबके लिए, वो महंगाई सबके लिए, मगर उसने हमारे देश को कहां से कहां पहुंचाया। आज ये लगा लो कि अपना धारा 370 कब से नहीं हट रही थी, क्यों नहीं हट रही थी? महंगाई तो उस टाइम भी थी। हमारा राम मंदिर जो हमारे को, जो हम एक ऐसे पीढ़ी के हैं, हम नसीब वाले हैं कि हमने अपना राम मंदिर बनते हुए देखा सामने से देखा, हम वो पीढ़ी हैं। अगर मेरा हिंदू भाई होगा तो इस बात को हाँ करेगा, 500 पीढ़ी से 500 सालों से लड़ रहे हैं, क्यों नहीं बन रहा था? हम खुश नसीब हैं कि अपना राम मंदिर देखा, 370 रत्ती देखी। महंगाई तो देखो चलती रहती है, पहले भी थी अभी भी है। और ये जो कुछ राजनीति लोग है ना, वो खाली इसी मुद्दे को आगे ले आते हैं, महंगाई। मगर जो मोदी जी ने किया बहुत अच्छा, जय श्री राम, जय श्री राम। आरोप लगता है सर कि ईवीएम हैक हो जाता है, राहुल गांधी आरोप लगा, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। मोदी ने जो काम किया है तो जनता वोट देती है, वो जनता वोट देती है। हैक वैक नहीं होता, नहीं कोई हैक नहीं, जो हारते हैं वो ये बातें लाते हैं। भाई ये बोले ईवीएम हैक कर दी, भाई जड़े इनकी सरकार बनाओ रहे लोकतंत्र की जीत ना, बीजेपी जीतता ईवीएम हैक, अरे ईवीएम लेके कौन आया आप बताओ? नहीं, मोदी तो 2014 में आया है, इससे पहले 2004 में ईवीएम आई, ईवीएम आई ना। अगर ईवीएम हैक करनी थी करके भाई 2014 में दी जानते हो मोदी जी, ईवीएम हैक करने क्या सर आएगा तो मोदी जी, और तो और 400 पार जाएगा, 400 पार ये हमारा दावा है। क्यों दावा है सर? दावा है, उसने काम करके दिखा भाई। ईवीएम ऐसे हैक होती है, जय श्री राम, जय श्री राम, हर मोदी। पहले कभी ऐसा होता था? श्री राम जी को कोई जानता भी नहीं था। कांग्रेस और बीजेपी में बदलाव क्या? आप तो कांग्रेस की सरकार देखेंगे 4 से 14 तक था, अभी बीजेपी की। आज मेरी उम्र 56 है, 56 है, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे नहीं। हाँ, नहीं लगा सकते। नहीं, जो हमारे कश्मीर में हमारे सैनिकों पे पत्थर मारे जाते थे आज दिखाए कोई ऐसा अभी क्यों हुआ, पहले क्यों नहीं? मोदी की कितना बदलाव है, आज जहाँ तिरंगा, हमारा तिरंगा चलाते हैं वहाँ पे कश्मीर में, पहले क्यों नहीं था? ये हमारे मोदी जी, बहुत बदलाव है, देखने वाला देखे अपनी आंखों से तो बहुत बदलाव है। और मोदी जी को हराने के लिए इंडिया अलायंस, नहीं मोदी जी के लिए कुछ भी कर लो, मोदी आएगा, मोदी आएगा। ये वो कूद रहे हैं जिनको कोई रास्ता नहीं दिख रहा, कभी महंगाई को आगे ले आए, कभी किस राजनीति हो रही है, कभी सीबीआई ईडी के भरोसे चुनाव जीत, मगर आएगा मोदी और जय श्री राम बोल के आएगा, जय श्री राम। क्या नाम है भाई? शिवम। कहाँ के रहने वाले? मैं रोहिणी, दिल्ली के रहने वाले। हाँ जी, हाँ जी। क्या मोदी की बात कर रहे थे कि मोदी जी ही आएंगे? हाँ। क्यों ऐसा क्यों लग रहा है? एक्चुअली मैं मीडिया का स्टूडेंट हूँ, मास मीडिया। हाँ जी, मास कॉम जर्नलिज्म। चलो ये नहीं पूछूंगा क्या पढ़ाई कर रहे हो। हाँ। काम बताओ क्या बढ़िया हुआ? काम ये बढ़िया हुआ, जैसे आप देख सकते हो डिफेंस अच्छी होगी, देश की बहुत अच्छी डिफेंस, बहुत अच्छी कर दी, बहुत मेरे जैसे अपने फैमिली वाले बहुत डिफेंस में है, तो वही बता रहे थे कि मोदी के आने से पहले कांग्रेस ने डिफेंस में बिल्कुल भी कुछ नहीं करा था डेवलपमेंट, अब बहुत अच्छा कर दिया है। हाँ, सैनिकों के लिए बहुत अच्छा कर दिया, इक्विपमेंट बंदूकें सबको नई मिल रही हैं और सारी चीजें। और उसके बाद आपका, आप ये देख लो जो कश्मीर था, कश्मीर में 370 हटा दी, पहले 70 वाज थे, अब सबको नौकरियां मिल रही हैं, पढ़ रहे हैं, पहले पढ़ भी नहीं पाते थे, कुछ भी नहीं कर पाते थे, उनको लगता था 70 वाज ही काम अच्छा है, उनको पैसा मिलता है उधर,
370 के चक्कर में कोई भारी कंपनी खुल नहीं सकती, नौकरी वैसी नहीं होगी, तो कांग्रेस से खेल खेल रखा था, बीजेपी ने हटा दी तो वहाँ पे नौकरी मिल रही, इन्वेस्टमेंट हो रही, कश्मीर भी डेवलप हो रहा है, झंडे रह रहे पहले वहाँ पे भारत भर दबा के नारे लगते थे, अब नहीं लग रहे। आरोप लगता है कि बहुत ज्यादा धर्म की राजनीति करती है बीजेपी पार्टी, वो तो करती है, अब कांग्रेस भी तो करती थी, कांग्रेस ने बहुत पहले करे, एक आपका लेडी का केस आया था सुप्रीम कोर्ट में, अपना नाम मेरे को, हाँ शाहबानू केस, वो कांग्रेस, हाँ मैं बता रहा हूँ, मेरे को एग्जैक्ट नाम नहीं आ रहा था, उसमें उसमें भी उसमें ये कर रहा कांग्रेस ने कि मुस्लिम वोट जीतने के लिए शाहबानू को गलत ठहरा दिया था जजमेंट, मुस्लिमों के वोट के लिए कांग्रेस काम करती थी, हाँ मुस्लिमों के लिए बहुत करती थी कांग्रेस। भाई वक्फ बोर्ड क्या है, मुस्लिम पर्सनल बोर्ड क्या है, है ये भाई अगर मुस्लिम पर्सनल बोर्ड है तो और ये वक्फ बोर्ड तो फिर तो हमारा जो हमारा सनातन धर्म है फिर तो इसका बोर्ड भी होना चाहिए, तो ये तुष्टिकरण की नहीं है क्या, चाहते हैं लोग क्या चाहते, एक बात बताओ ना, जो ये बोल रहे ना बोले मोदी ने मुसलमान कर दिया, अरे जो योजना हिंदुओं को मिल रही है हमारे मुस्लिमों को मिल रही, मुस्लिम बहनों को आज यूपी का आंकड़ा उठा के देख ली, हिंदुओं से ज्यादा हमारे जो मुस्लिम है उनको सबसे ज्यादा जो आवास योजना पीएम की गई सबसे ज्यादा उनको गई है, का हिंदू मुसलमान कर दिया भाई, जो योजना बराबर सबका साथ सबका विकास के साथ कर रहा है ये तो भाई जो जैसा आना है जो खुद चोर है दूसरों को उसको चोरी लगेगा, ये खुद गृह तुष्टिकरण की नीति, तो क्यों नहीं पसंद करते हैं आप राहुल गांधी को, भाई राष्ट्र विरोधी विचारधारा उसकी, राहुल गांधी कुछ बता रहे हैं क्या है, पप्पू है वो राहुल गांधी गौर का, अरे भैया पप्पू बोले, राहुल गांधी मैं तो नहीं बोला, पब्लिक बोल रही है यार, पूछ रहे थे बस भाई, वही बात है, मैंने एक बात कही थी लाल किला था वो तो रिमोट कंट्रोल था, रिमोट कंट्रोल है मनमोहन सिंह, हाँ इन्हें मोदी ने तो उन देशों से रिश्ते बनाए हैं जिन्हें इन्हें रिश्ते खत्म कर दिए थे, आज रूस ने बस सबकी में इसका गर्मस्तक है, कोई भी जानकारी इजराइल है सबकी में देख ले, आज ये फैसला इस पर पूछ की, अरे भाई मोदी की और क्या ताकत पूछ सका, यूक्रेन और रशिया का युद्ध होया ठीक है, तिरंगा दिखाया गया था और युद्ध रोक दिया था, सारे भारत वापिस आए थे, भारत वापिस आए थे, और कांग्रेस सरकार में क्या था आपको सबको पता।